नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्टेशन पहुंचने से कुछ दूर पहले कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस हुई बेपटरी, रेलवे के अधिकारी डोंगरगढ़ रवाना। अर्पण एक उम्मीद के तहत 120 लोगों को मिला गुम हुआ मोबाइल, एसएसपी के अभियान से चेहरों में लौटी मुस्कान। सरपंच की दबंगई के चलते बेलमुंडी का एक दर्जन से अधिक परिवार हुआ बेघर, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। दो सूत्री मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल को दिया समर्थन, रैली निकाल कर जताया विरोध। और देश प्रदेश से मुख्यमंत्री को मिली जन्मदिन पर बधाई, सीएम हाउस लोगों से दिन भर रहा गुलजार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन यार्ड में कोरबा से इतवारी जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। इस ट्रेन के दो कोच पटरी से उतर गए। तड़के सुबह हुई इस घटना से जोन में हड़कंप मच गया। इस ट्रेन में बिलासपुर के 11 यात्री सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त कोच में 50 यात्री मौजूद थे। संख्या 18239 जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं, ये गाड़ी अभी राजनांदगांव की ओर ली जाएगी। इसके पश्चात अपने सामान के साथ धैर्य रख के बैठे रहे, गाड़ी पीछे लाइन लेकर क्लियर कर यहाँ से राजनांदगांव की ओर जाएगी, वहाँ से फिर वापिस इतवारी के लिए प्रस्थान करेगी। एक तरफ रेलवे कई रेल खंडों में आवश्यक रखरखाव के साथ ही लाइन का विस्तार कार्य कर रहा है, वहीं जोन में इन दिनों लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। नागपुर रेल मंडल में 7 दिनों के भीतर दूसरी घटना हो गई है। कोरबा से इतवारी जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस मंगलवार की सुबह बेपटरी हो गई। दरअसल शिवनाथ एक्सप्रेस स्टेशन में प्रवेश कर ही रही थी, उसी समय यह हादसा हुआ। ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाली थी, इसलिए ट्रेन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यदि गति तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रेल प्रशासन की नज़र में यह भी बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि कोचिंग ट्रेन पटरी से उतरी है, इसमें यात्रियों की जान भी जा सकती थी। इधर बोगी के पटरी से उतरते ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आधी रात को सायरन बजा, जिससे जोन व मंडल कार्यालय के अफसर सकते में आ गए। हालांकि घटना नागपुर रेल मंडल की है, पता चला तो बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जोन के अफसर दौड़ते भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसमें संरक्षा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल समेत प्रमुख विभागों के अफसर, सीएसओ, सीएमई, सीआरएसई समेत 10 से 12 अधिकारियों की टीम सुबह 5 बजे स्वचालित यान से डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुई। घटना कोचिंग ट्रेन की होने के कारण इसकी जांच भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अधिकारियों की टीम करेगी। हालांकि अभी जांच की टीम नहीं बनी है, देर शाम या बुधवार को गठित कर जवाबदारी सौंप दी जाएगी। इससे पहले भी 17 अगस्त की रात को गोंदिया गुदमा के बीच खड़ी मालगाड़ी को बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए थे। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सार्वजनिक उपक्रम समिति के सभापति विधायक सत्यनारायण शर्मा सदस्यों के साथ सरगट्टी स्थित बेवरेज कॉरपोरेशन के गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जनता के रुपए का दुरुपयोग ना हो, इसकी छानबीन करने विधानसभा के अधीन समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने यह दौरा किया है। विधानसभा सचिवालय के सचिव, अपर सचिव समेत अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट दस्तावेजों की जाँच के दौरान साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिसके बिना पर विधानसभा में रिपोर्ट पेश की जाएगी। दौरे के बाद सभी छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसे महत्वपूर्ण दौरे के बारे में बताया, लेकिन गोपनीय विषय होने से आगे जानकारी नहीं दी। समिति में सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू, सदस्य और विधायक लखेश्वर बघेल, राजमणि बेंजाम, शहर विधायक शैलेश पांडे दौरे में शामिल रहे। ये समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है, जितने भी मंडल और निगम और इत्यादि जितने भी हैं कॉरपोरेशन हैं, उनके काम काज का को देखती है। उसमें विशेष तरह ये देखते हैं कि लोक धन का सदुपयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। कहीं पर भी इस देश में लोक धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये देखना महत्वपूर्ण समिति का काम है। देखिए, हम लोगों की मजबूरी ये है कि विधानसभा या विधानसभा की कोई भी समिति, जब तक कि वो विषय वस्तु सदन में रखी नहीं जा सके, तब तक तो उसको प्री पब्लिकेशन बना, उस पर सख्त रोक है।
इसलिए उसको इस संबंध में कुछ भी संकेत देना या कुछ भी कहना थोड़ा सा नियम विरुद्ध बात होगी। इसलिए हम लोग अपनी समिति में निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, उसके बाद वहां जाकर के रिपोर्ट बनती है इसकी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा शिक्षक भर्ती के लिए चयन सूची जल्दी जारी कर दी जाएगी। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले दो दिनों में दावा आपत्ति मंगाया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। हड़ताल के चलते कर्मचारियों की कमी से कार्य धीमा चल रहा है। मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जिले में चल रही मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। हड़ताल की वजह से इस बार की समय सीमा बैठक में कुछ अधिकारी कर्मचारी नदारद भी रहे। कलेक्टर ने बिंदुवार जानकारी लेते हुए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा 6 माह में विभागों द्वारा खरीदी गई सामानों और रिपोर्ट की सूची भी मांगी है। साथ ही सभी अधिकारियों को नियत समय में कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 2021-22 में गुम और खोए हुए मोबाइल को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने खोजकर फरियादियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अर्पण एक उम्मीद अभियान चलाकर करीब 120 लोगों को उनका खोया मोबाइल वापस किया। बिलासपुर पुलिस का अर्पण एक उम्मीद अभियान ने लोगों के चेहरे पर खोई हुई खुशी को वापस लाने का काम किया है। मंगलवार को बिलासागुड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने एक कार्यक्रम आयोजित कर खोया और गुम हुए मोबाइल को उनके मालिकों को वापस किया। अर्पण एक उम्मीद अभियान के जरिए वर्ष 2021-22 में खोए करीब 120 मोबाइल को पुलिस ने खोज कर निकाला और लोगों को वापस किया। दरअसल ये वो मोबाइल है जो अचानक कहीं खो गया या गुम हो गया। ऐसे शिकायतों को पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर मोबाइल को खोज निकाला। मोबाइल की रिपोर्ट साइबर सेल या अन्य थानों में प्राप्त हुई थी, उस पर संज्ञान लेते हुए जो कार्रवाई है उसमें 120 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। ये सभी स्मार्टफोन्स हैं और 10 से 20 हज़ार की कीमती के हैं, तो कुल मिला के लगभग 18 लाख के मोबाइल आज जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको वापस किए जा रहे हैं। अपना खोया मोबाइल पाकर सभी फरियादी खुश हुए। सभी ने बिलासपुर पुलिस का दिल से धन्यवाद किया। पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का मोबाइल बरामद किया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा की अश्लील पेंटिंग बनाकर बेची जा रही है। एक जोटिक साइट के जरिए ऑनलाइन बिक्री की जा रही है। गोविंदा राधा कृष्ण इन फॉरेस्ट लव नाम से साइट से सामग्री बेची जा रही है, जिसका यादव समाज ने विरोध किया है। सिविल लाइन थाने में पहुंचकर कार्यवाही की मांग की गई है। यादव समाज ने सभी हिंदुओं से आग्रह किया है कि अमेजॉन का बायकॉट करें ताकि उनके हिंदू देवी देवताओं का अपमान रोका जा सके। गीता गोविंदा राधा कृष्ण इन फॉरेस्ट लव के नाम से ये लोग उस पुस्तक को पेंटिंग बनाकर बेच रहे हैं और अभी जन्माष्टमी में उस पेंटिंग की कीमत भी ये लोग आधा कर दिए कि अधिक से अधिक लोग ले करके। और हमारा मांग है कि बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, अमेजन इंडिया के द्वारा कई बार हो चुका है। आज हम लोग उनके खिलाफ FIR कराने आए हैं, यादव समाज के लोग। राधा गोविंदम के नाम से हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया का अश्लील फोटो को एक व्यापार के रूप में इनके द्वारा बेचा जा रहा है। ये सीधा सीधा हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की काम कर रही है। और हमारे यादव समाज के लोग आज आके अब सिविल लाइन थाना में ज्ञापन दिए हैं, यहाँ एक चेतावनी देने आए हैं। अगर FIR उनके खिलाफ नहीं हुआ तो बहुत जल्दी जहाँ जहाँ अमेजॉन का ऑफिस है वहाँ घेराव करेंगे। तखतपुर क्षेत्र के पूर्व सरपंच वर्तमान में जनपद सदस्य धनंजय सिंह ठाकुर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में राहुल गांधी के बारे में अनर्गल टिप्पणी की है। इसके विरोध में तखतपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा थाने में धनंजय सिंह ठाकुर के विरुद्ध FIR करने का आवेदन दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस नेता एवं जिला सदस्य जितेंद्र पांडे का कहना है कि राहुल गांधी के बारे में धनंजय सिंह ठाकुर ने व्हाट्सएप में अवैधानिक टीका टिप्पणी किया है जो गलत है, सभी इसका विरोध करते हैं। वही भाजपा के जनपद सदस्य धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ इतना ही कहा है कि गांधी परिवार भी अब भगवान को मानने लगे हैं, जिससे अब अच्छे दिन आ गए हैं। राहुल गांधी के ऊपर एक टिप्पणी की गई कि कृष्ण जी के
अपने सिर पे उठा के वो घूमने वाले कौन होते हैं, इससे अच्छे दिन कोई आएंगे। हम कहते हैं अपने स्तर की बात की जाए। राहुल गांधी, आप कितना पूजा करते हो, आप कितना हिंदू धर्म के रक्षक हो, आप जानोगे, परंतु मैं क्या करता हूँ, मेरे ऊपर लांछन लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कौन क्या कर रहा है इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी हमारे देश के सर्वोच्च कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन से कांग्रेस चल रही राष्ट्रीय पार्टी है। जो अनावश्यक रूप से राहुल गांधी को कहा गया है, ये उन्होंने प्रश्न लगाया है, आरोप लगाया है मेरे ऊपर, जबकि मैंने राहुल को नहीं कहा है। मैं तो राम की प्रशंसा और श्री कृष्ण जी की प्रशंसा में कहा है कि ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो नहीं मानते थे हमारे धर्म को, उन्होंने हमारे धर्म को मानना शुरू कर दिया। इससे और बड़ी अच्छी दिन हमको क्या चाहिए। ये इन लोगों के द्वारा सोची समझी साजिश है, छवि धूमिल करने का एक प्रयास है, षड्यंत्र है, और अपनी बौखलाहट में इन लोग ये सारा कृत्य कर रहे हैं। इनकी मानसिकता से ये जाहिर होता है कि इन लोग बहुत निम्न स्तर की मानसिकता रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं। मांगे पूरा कराने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल की मुहिम तेज कर दिया है। सभी सरकारी दफ्तरों को खाली कराया जा रहा है। जो सदस्य किसी कारण से कार्यालय में काम कर रहे हैं, उन्हें अनुरोध पूर्वक हड़ताल में शामिल किया गया। इसके लिए 48 सदस्यों का एक दल सरकारी दफ्तरों का भ्रमण कर रहा है। इस दौरान उन्होंने दर्जनों कर्मचारियों अधिकारियों को अपने साथ किया। फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की सफलता के लिए कलमबंद रखने का आह्वान किया है। बेलमुंडी के सरपंच की दबंगई के चलते एक दर्जन से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। सरपंच राजकुमार कौशिक ने जेसीबी चलवाकर गरीबों के मकानों को तोड़वा दिया है। मंगलवार को प्रभावित परिवार कलेक्टर से शिकायत करने कार्यालय पहुंचे। बेलमुंडी के सरपंच राजकुमार कौशिक ने गरीब लोगों के मकानों पर जेसीबी चलवाकर उसे तोड़ दिया। गरीबों का कहना है कि ना ही उन्हें नोटिस दिया गया और ना ही सरपंच ने उन्हें कुछ बताया। भरी बरसात में उनका आशियाना उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया गया। मेहनत मजदूरी कर एक एक ईंट जोड़कर गरीब परिवारों ने मकान बनाया था। पीड़ितों का कहना है कि वे बीते 30 साल से शासकीय जमीन पर निवासरत हैं। गुरुआबाई ने बताया कि अब उसके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही सर छुपाने के लिए कोई सामान। खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे प्रभावित परिवार के लोगों ने बताया कि सरपंच राजकुमार कौशिक, उप सरपंच और अपने भाड़े के बुलाए गए 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी में डरा धमका कर उनके मकान तोड़े गए। हमार घर टूट गए साहब, और हम पन्नी छाके रही था, तो हम जगह मांगे आए हैं। हमार बाल बच्चा कहाँ रहे, हम भूखे हैं, हमार सब साग या सब राशन पानी सब दब गए, हमारे पास कुछ नहीं है। कौन करोगे? सरपंच टोरीच, सरपंच गांव भर के कला के अब तोड़ दी, महिला पुरुष सब तोड़े पर 11-12 जन के तोड़े हैं। कहाँ रहा था अभी? अब वही नंग पन्नी उन्नी छा के रही थी। हाँ हाँ, बरसात में पानी चूहा थे तो खड़े खड़े दिन काटी थे। हम दुकान उकान लटोड़ा रही था, हमारे घर दुकान लटोड़ा रही। कौन लटोड़े? सरपंच गाँव वाला। हमारे घर लटो डाली से हम परेशान हैं, हम स्कूल जा नहीं पावा था। सातवीं मोर अम्मा पाही तो मोर पापा पाही छे। हम कुछ काम नहीं कर सके, हम खा पी और नहीं है। आप आही छे, महो भी विकलांग है साहब। बेलमुंडी से आए हैं। क्या समस्या है? वो दुकान टूट गया है ना, उकर मदद मांग गया है। कौन टोड़ी से? सरपंच टोड़ी से साहब। 10-15 जिन की टूटे है साहब, बेजा कब्जा के नाम से 20 साल से साहब। अमर सूर्यवंशी और दिलीप का कहना है कि उनका मकान तो निजी भूमि में बना था, लेकिन सरपंच ने उस पर भी जेसीबी चलवा दिया। कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत भी मिली थी, लेकिन उस आदेश को भी किसी ने नहीं माना। कोपरा मोड़ के पास मोर घर है और खुद की निजी जमीन है। निजी जमीन के सामने माँ ये आधा का निकट जमीन रही है, जो शासकीय जमीन है। उमा अपन कोई मत आ जाए मत बसा करके सामने में अपन जुग्गी उग्गी बना के रहते रहें। खुद की निजी जमीन में पीछे मकान बना रहे हैं, अभी 3-4 साल से बना था वो घर। निजी जमीन बेजा कब्जा टोड़े मोर खुद की निजी जमीन का तोड़ दीज। सरपंच से बहुत भीख मांगे, बोले कि नापी करे एक बार टोल ले करके। बहुत हाथ जोड़े हूँ, बोले समय दे दे। समय दिए के बाद मोला नापी करवा ले, नापी में अगर आ जाते तो मोर घर टूटे जाए। एक मिनट के समय नहीं दिए, न मोर सामान हटाए के समय दिए। सामान का पूरा तोड़ फोड़
घर का पूरा तोड़ दी, खुद के निजी जमीन का मोर पूरा तोड़ फोड़ कर दिए है। कोर्ट में वहाँ से मतलब रोकने के लिए है ना स्टोर हमको मिला है, वहाँ से फ़ोन भी किया गया था क्या बोलते हैं तहसीलदार को, हमारे सामने की बात है तहसीलदार एवं SDM को, उन लोग भी आए लेकिन उन लोग भी नहीं, उनके सामने टूटा हम लोग को, उस समय घर हम लोग को नहीं टूटा था, सिर्फ पुरानी घर थी जो गाय गरुआ जो कोठा था वो बस टूटा था, नया जो अभी हम बनवाए थे एक दो साल हुआ था मुश्किल से घर को, करीबन 1700 फुट में 25-22 लाख करीबन खर्च किए थे हम लोग, 10-15 साल से पापा कमाते आज वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उसकी उनके ही बात को नहीं माने तहसीलदार, नया तहसीलदार मैडम थी और प्रशासन भी सामने थे लेकिन उनकी बात को वैल्यू नहीं दिया और सीधा JCB ला करके तोड़ दिए। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रभावित परिवारों ने न्याय की गुहार लगाई है। गरीबों का कहना है कि उस स्थान पर वह खुले आसमान के नीचे पन्नी लगाकर रह रहे हैं। खाने पीने का सामान जो भी था वह भी मलबे में दब गया। अब उनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे थे। सभी ने सरपंच राजकुमार कौशिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा TV, बिलासपुर। ग्राम पंचायत मेहमंद में सरपंच ने अलग अलग कार्यकाल में काम करने वाले दो पंचायत सचिवों के साथ मिलकर जमकर फर्जीवाड़ा किया है। 14वें और 15वें वित्त की राशि में से 21,57,190 रुपए का हिसाब सरपंच व सचिव नहीं दे पा रहे हैं। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंच गणेशी निषाद को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मंगलवार को गांव के लोगों ने सरपंच के साथ जिला पंचायत पहुंचे और इस मामले में दोषी सचिव के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। इसके साथ ही इस मामले की निष्पक्ष जाँच करने के संबंध में जिला CEO को ज्ञापन सौंपा। हम लोग जिला पंचायत में हम लोग जांच के जो गंगेलाल पूर्व सचिव है वो हमारे 15 वित्त और 14 वित्त से 21 लाख रुपए का गमन कर चुका है और वो सरपंच के ऊपर थोपा जा रहा है। सचिव पूरा कागजात कार्यवाही सचिव करता है, सचिव आके बताए कि किस किस में पैसा निकला है मत में, डोंगल भी वही रखा है, सब चीज़ वही रखा था। सरपंच के नाम से उसको उल्टा कर दिया गया है, सरपंच ने 21 लाख का गमन किया करके पेपर में आया है, इसलिए हम लोग को दोबारा यहाँ आना पड़ा है। नेशनल ड्राइविंग डे के अवसर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल ने यातायात विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मंगलवार को जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे यातायात विभाग के एडिशनल SP रोहित बघेल ने कार्यक्रम को सफल बनाने और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने की गई इस पहल की प्रशंसा की, साथ ही आयोजक को बधाई दी। इस दौरान फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष पिंकी शर्मा ने कहा कि यह एसोसिएशन न सिर्फ लोगों को जोड़ेगा बल्कि ट्रैफिक नियमों से भी उन्हें अवगत कराएगा। इस दौरान NSS के छात्रों के साथ शहर में रैली भी निकाली गई। सुरक्षा और यातायात नियमों के लिए जगह जगह पे मनाया जा रहा है और आज मनाने का मेन उद्देश्य है हमारे भाई नसीमुल्ला खान जी, जो यातायात के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए संघर्ष करते करते पिछले साल कोविड में 23 अगस्त को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हीं की यादगार में आज ही हम लोगों ने पहली बार मनाने का निश्चय किया है। एकदम से रोड पे नहीं आना है और थोड़ा 15-20 दिन हो जाए, थोड़ा आउटर वगैरह में चलाना है, ताकि क्या है कि जनरली क्या होता है कि गर्ल्स थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, तो उस कारण से भी यानी कि थोड़ा सा वो रहता है प्रॉब्लम। जनरली आप देखो कि लड़कियां ही ज़्यादा, लड़के तो क्या फट से सीख जाते हैं, तो उनको क्या है कि थोड़ा सा उसमें रहता है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ बिलासपुर में। बरसात से शहर की अधिकांश सड़कें खराब हो चुकी हैं, हर तरफ सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, राहगीर इन सड़कों से आने जाने में डरने लगे हैं। वार्ड नंबर 14 के महर्षि स्कूल रोड की भी हालत यही है, इस सड़क से बच्चे स्कूल जाते हैं, साथ ही नागरिक भी आवागमन करते हैं, जिसकी वजह से हर पल यहाँ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जी, ये जो मंगला वाली सड़क है महर्षि मंगला सड़क के नाम से जानी जाती है और बहुत पुराना स्कूल है और आप जानते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और अभी इस सड़क के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप देख रहे हैं कंडीशन को कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, नाली प्रॉपर साफ नहीं होती है, बारिश के दिनों में तो हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सड़क भी इतनी सकरी है कि सिंगल वे बोल सकते हो आप, यहाँ पर डबल है भी नहीं,
तो बस ये जी जी स्कूली बच्चे आते जाते हैं, बसेस आती जाती हैं, और सिर्फ इसी स्कूल की नहीं और भी बहुत सारे स्कूल की आती जाती हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्टेशन पहुंचने से कुछ दूर पहले कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस हुई बेपटरी, रेलवे के अधिकारी डोंगरगढ़ रवाना। अर्पण एक उम्मीद के तहत 120 लोगों को मिला गुम हुआ मोबाइल, एसएसपी के अभियान से चेहरों में लौटी मुस्कान। सरपंच की दबंगई के चलते बेलमुंडी का एक दर्जन से अधिक परिवार हुआ बेघर, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। दो सूत्री मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल को दिया समर्थन, रैली निकालकर जताया विरोध। और देश प्रदेश से मुख्यमंत्री को मिली जन्मदिन पर बधाई, सीएम हाउस लोगों से दिन भर रहा गुलजार। महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर अधिकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। न्यायिक कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी दो सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती वह काम पर वापस नहीं लौटेंगे। दो सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। आंदोलन के दूसरे दिन न्यायिक कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। हड़ताली अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई व गृह भाड़ा भत्ता उनका अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धीरज पनेरिया और संरक्षक डीपी पांडे ने कहा कि यह उनकी जायज मांग है, इसके लिए वह हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सेकेंड दिन है हड़ताल का, 22 तारीख से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित हुई है जिसका समर्थन हमारा न्यायिक कर्मचारी संघ कर रहा है। तो आज मुख्यमंत्री का जन्मदिवस भी है, हमारे जो फेडरेशन के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, प्रांताध्यक्ष वगैरह हैं, सब वो मिलने जा रहे हैं। देखिए अगर मुख्यमंत्री की मंशा होगी और अगर कर्मचारियों के लिए उनकी सहानुभूति होगी तो बिल्कुल निश्चित तौर से हड़ताल खत्म कर देंगे अगर घोषणा करते हैं तो। जो हड़ताल हो रही है ये केवल दो मुद्दों पर केंद्रीभूत है, पहला तो है महंगाई भत्ता और दूसरा है HR हाउस रेंट। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि वास्तव में कर्मचारियों का अधिकार है। ये कोई ऐसा मांग नहीं है जिसको कर्मचारी अपने अधिकार से कुछ अलग ऐसा मांग रहे हों जो उनके इच्छा पर निर्भर हो। ये हमारा जायज मांग है और हम अपनी कदम आगे बढ़ाए हैं, हम अंत तक इसको प्राप्त करने के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने उनका प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, जैसे ही सार्थक परिणाम मिलेंगे आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिला कोर्ट से निकली रैली नेहरू चौक स्थित स्थल पर समाप्त हुई। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। न्यायालयीन कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से फेडरेशन को मजबूती मिली है। राष्ट्रीय और राज्य गान कर आंदोलन के दूसरे दिन की शुरुआत की गई। कर्मचारी नेताओं ने सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगे जायज है, इसलिए शासन से सकारात्मक पहल की उन्हें उम्मीद है। न्यायालयीन कर्मचारी संघ ने कहा हर परिस्थिति में वे आंदोलन का समर्थन करेंगे, सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। काफी समय से शोषित चले आ रहे हैं हम कर्मचारी संघ, हम सब कर्मचारियों की यही मांगे, कर्मचारी में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, हम उतनी सेवाएं देते हैं जितने पुरुष भी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा अभी तक शोषण किया गया है, जो हमको महंगाई भत्ता और HR नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए महिलाएं भी इस आंदोलन में कंटिन्यू आती रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबके प्रयास से हमारी मांगे जरूर मानी जाएंगी। वित्तीय वर्ष के अंत में सिम्स में जरूरी जीवन रक्षक दवाओं का टोटा होने लगा है। आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर मरीज के लिए आवश्यक दवाएं लोकल परचेसिंग के माध्यम से लाया जा रहा है। इसकी आपूर्ति के लिए CGMSC को डिमांड भेज दिया गया है, लेकिन वहां से भी कुछ दवाएं ही मुहैया कराई गई हैं। सिम्स अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे ने कहा कि फिलहाल ग्लव्स और सर्जिकल सामान की कमी बनी हुई है। जब भी किसी मरीज को जीवन रक्षक दवा की जरूरत पड़ती है लोकल परचेसिंग की जाती है। समीक्षा बैठक के दौरान CGMSC के अधिकारी ने एक हफ्ते के भीतर सारी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले अधिकांश मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। दरअसल जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में कुछ चिकित्सकों की OPD शुरू की गई है, मगर यहां मौजूद चिकित्सकों द्वारा मरीजों को एक्सरे सहित अन्य जांच लिखे जाने के बाद उन्हें मातृ शिशु अस्पताल जाना पड़ता है। इसके चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को 61 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर सीएम हाउस रायपुर में सुबह से लेकर रात तक उत्साहपूर्ण माहौल रहा। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से मिली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य शासन के तमाम मंत्री, आला अधिकारी सहित कांग्रेस, भाजपा के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री हाउस सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ओपन रहा, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचकर श्री बघेल को जन्मदिन की बधाई देते रहे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गुलदस्ता भेंट कर आत्मीयता के साथ उनसे गले मिलकर बधाई दी। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर और राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी। बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तोला गया। विभिन्न प्रकार के उपहार और भेंट पेश कर लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। जन्मदिन के अवसर पर अर्पण दिव्यांग स्कूल बजाज कॉलोनी के बच्चों को मुख्यमंत्री ने बैग, कॉपी और खेल सामग्री प्रदान की। मुख्यमंत्री को गज माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री का बच्चों के प्रति प्रेम भी यहाँ देखने को मिला। जांजगीर चांपा के पिहरी गांव का राहुल भी अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री को बधाई देने रायपुर पहुंचा था। आरपीएफ की टास्क टीम ने जोनल स्टेशन से एक आरोपी को चोरी के 3 मोबाइल के साथ पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी चुचुहियापारा का रहने वाला है, जिसे जीआरपी के सुपुर्द किया गया। बीते 30 जुलाई को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय से एक यात्री का मोबाइल चोरी हो गया था। यात्री ने इस घटना की रिपोर्ट जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। जीआरपी अपराध दर्ज कर जांच में जुटी थी। इसकी जानकारी मिलने पर आरपीएफ टास्क टीम ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू की। सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्ष से घटना के दिन की गतिविधियों को खंगाला गया। इस दौरान एक युवक प्रतीक्षालय से मोबाइल चोरी करते कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी उस युवक की तलाश कर रही थी। घटना के 1 महीने बाद युवक दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंचकर फिर चोरी को अंजाम देने की फिराक में था। जैसे ही उसके स्टेशन में घूमने की जानकारी मिली, टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे लेकर जीआरपी थाने पहुंचे। यहां पूछताछ में उसने अपना नाम शंकरदास राय, निवासी चुचुहिया पारा बताया। इस बीच जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 3 नग मोबाइल बरामद हुए। यात्री का मोबाइल चोरी हुआ था, जिसे कॉल डिटेल के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम शंकर राय चुचैया पारा का है, जिसके पास से 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं, सब चोरी के हैं। वारिसान की पता साजी जारी है। अब आरोपी के विरुद्ध 41(1)4(379) कायम किया गया है। हालांकि मोबाइल मालिकों का नाम पता अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। एक मोबाइल चोरी की रिपोर्ट हुई थी, इसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। लोहे की कीमत क्या आसमान छूने लगी, चोरी की वारदात बढ़ गई है। आए दिन कहीं ना कहीं से लोहा चोरी की घटना सामने आ रही है। चोर जब सड़क के डिवाइडर में लगे लोहे के एंगल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंगला चौक से उसलापुर जाने वाली सड़क में डिवाइडर के ऊपर लगे लोहे के एंगल चोर के निशाने पर हैं। हर दिन यहां से लोहा चोरी हो रहा है। नशीली प्रतिबंधित सिरप को बेचने निकला युवक सिविल लाइन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मंगलवार सुबह राजीव गांधी चौक निवासी राजेश कोसले सिरप बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने महाराणा प्रताप चौक के पास दबिश देकर आरोपी राजेश कोसले के पास से 18 नग सिरप जब्त कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट की कार्यवाही की है। मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन में पलायन करने वाले मजदूरों की भीड़ देखने को मिली। दुर्ग जम्मू तवी ट्रेन से पलायन करने वाले श्रमिकों से जोनल स्टेशन का प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। यह नजारा हर मंगलवार को देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में कमाने खाने के लिए जाते हैं। मंगलवार को जोनल स्टेशन में श्रमिकों की भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं रहती। दरअसल दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस के लिए श्रमिकों के बीच यह ट्रेन पहली पसंद है। मंगलवार को भी स्थिति कुछ इसी तरह थी।
नगर निगम की कंडम गाड़ियां सड़क पर फर्राटे भर रही है। लोकस्वर टीवी न्यूज ने इमलीपारा में निगम की कंडम डंफर को अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको बता दें, निगम की अधिकतर गाड़ियां अनफिट है, जिससे कभी हादसे हो सकते हैं। ये गाड़ियां आरटीओ से भी अनरजिस्टर्ड हैं। नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।